बागेश्वर धाम पर विवाद बरकरार है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, चमत्कार दिखाना जादूगरों का काम। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता गिरिराज सिंह, बोले सनातन को गाली देना बना फैशन। एमपी की मंत्री उषा ठाकुर ने कहा, बागेश्वर धाम पर हमला वामपंथियों की साजिश। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस पर विवादित बयान, कहा तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित किया जाए। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया का सावरकर पर बयान, बोले हिटलर से प्रभावित थे सावरकर, हिंदुत्व की प्रयोगशाला चलाते थे। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे जाएंगे 21 द्वीपों के नाम, पीएम मोदी आज करेंगे ऐलान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। गणतंत्र दिवस परेड की आज फुल ड्रेस रिहर्सल, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा इजाफा, आज कलवारी क्लास सबमरीन आयन। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वागीर नौसेना में होगी शामिल। जम्मू के राजौरी से आईडी बरामद, दस्सल इलाके में मिला 1 किलो आईडी, सेना ने किया निष्क्रिय। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों ने किया ग्रेनेड से हमला, हमले में एक घायल, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के गुरेज में आया बर्फीला तूफान, चपेट में आए कई जानवर, 12 जिलों में हिमस्खलन का अलर्ट जारी। बड़गाम में बर्फ हटाने का काम जारी है, दुधपथरी में चारों ओर बर्फ फैली है, तापमान -8.6 डिग्री दर्ज। बर्फबारी के बाद औली में देखा खूबसूरत नजारा, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। कानपुर में बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश के साथ गिरे ओले, बारिश की वजह से शहर में बड़ी ठिठुरन। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र पर साधा निशाना, हैदराबाद में बोले गांधी बनाम गोडसे फिल्म पर लगे बैन, गोडसे और सावरकर का प्यार देवदास पारो की तरह। जेडीयू छोड़ने के सवाल पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, मेरी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता वो उतना ही बीजेपी के संपर्क में। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर 3,70,00,000 रुपए बरामद, दिल्ली से केरल भेजा जा रहा था कैश, लोगों से पूछताछ जारी। राजस्थान के फतेहपुर में कार और ट्रक में भीषण टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत। जी न्यूज की खबर का देखा असर, दुर्ग में बाइक पर रोमांस करने वाले कपल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर रील बनाती युवती का वीडियो वायरल, पुलिस ने काटा 17,000 का चालान। सीवान में संदिग्ध हालत में 3 लोगों की मौत, 10 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती, शराब पीने से तबियत बिगड़ने का आरोप। नोएडा के सेक्टर 58 और FNG रोड पर पुलिस की बदमाशों के साथ 2 अलग अलग मुठभेड़ एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल, 2 गिरफ्तार, लूटे गए मोबाइल और बाइक बरामद। सीरिया के अलप्पो शहर में गिरी 5 मंजिला इमारत, हादसे में कम से कम 10 लोगों की गई जान। लंदन में लूनर न्यू ईयर की धूम, कोरोना के बाद पहली बार मनाया गया जश्न, लंदन के वेस्ट एंड में हजारों की संख्या में जुटे लोग। भारतीय टीम हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर, पेनल्टी शूटआउट में न्यूजीलैंड ने भारत को 5-4 से दी मात। ओडिशा पेनल्टी शूटआउट में न्यूजीलैंड ने भारत को 5-4 से दी मात, ओडिशा में हो रहे हैं मुकाबले। करियर के आखिरी ग्रैंड स्लैम में हारी सानिया मिर्जा, ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला युगल में मिली हार। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।